हेलो सभी दोस्तों को, मैं प्रतीक स्वागत करता हूँ आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जीके के लिए प्रोफेसर के। तो कैसे आप सब लोग? मैं कुछ और ही गाना वाना गा रहा था लेकिन सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जीके के लिए प्रोफेसर पे। जुड़ जाएगा फटाफट करके, आपके जिंदगी क्लास शुरू हो गई है और इस रीजनिंग क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। 25 के 25 क्वेश्चन है, वेरायटी ऑफ क्वेश्चन है, करेंगे सीखेंगे कुछ और अपना डेली प्रैक्टिस करते रहेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। आप सब रेडी है ना? आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये रहा अपने पास क्लास का पहला क्वेश्चन। ये रहा अपने क्लास का पहला क्वेश्चन, बोला कि अगर 9 का रिलेशन 50 में कोई साथ है, अगर मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स क्या रखूँ उसका रिलेशन 50 के साथ आएगा, उसी प्रकार से 48 का रिलेशन मेरे पास 68 के साथ, क्या करें क्या ना करें? बड़ी मुश्किल सी बात है, बट करेंगे हम, हारेंगे नहीं, हमारा यही तो सवाल है। ठीक है ना? सब अच्छे? प्रणाम 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 सभी को प्रणाम। क्या बोलोगे यहाँ पे? 9 से 45 बोलोगे। देखो भैया, हमारे दिमाग में बात एक आता है कि 9th में जब 45 होता है, भैया यहाँ पे 35 जा कुछ दिख तो मेरा 150 प्लस हुआ, दिख तो मेरा खत्म, ये तो 68 है, क्या करेंगे? तो बताओ, तो अगर 9 से भैया मैं 36 आगे गया, अगर 9 से मैं 36 आगे गया तो कितने मिला? 45 मिला भैया। अगर मैं 32 से 36 आगे गया तो कितने मिला मेरे पास? देखो 6 × 8 मैंने 36 × 2 = 38 और 20 कितना हो जाएगा? 38 यार, देखो अगर मैं यहाँ पे जोड़ दू मेरे पास 36 × 2 कितना हो जाएगा? मेरे पास 38 हो जाएगा। 38 × 38 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया आपका, तो बोलोगे देखो भैया सिंपल सी बात है, इस नंबर में, इस नंबर x में तुम 36 जोड़ रहे हो ना, कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। इस प्रकार से एक्स कितना हो जाएगा? इसको भी लेकर 14 आ जाएगा। इस प्रकार से कितना 14 हो गया, ये कटा ये कटा ये सही आया, 14। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। सुरुचि पहले क्वेश्चन है, ये पैटर्न क्या था कि पहले वाले में मेरे पास पैटर्न क्या है कि पहले वाले एक्स जो नंबर है उसमें 36 जोड़ने पे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? यही अपने पास क्वेश्चन क्या है? यही अपने पास क्वेश्चन का पैटर्न है। यही अपने पास क्या क्वेश्चन का पैटर्न है? सिंपल सी बात, 36 में 32 जोड़ा 68 आ गया, 36 में नहीं जोड़ा तो 45 आ गया। अब मैं जैसे ही मैं इस नंबर में, इस नंबर है 14 आ गया, अगर 14 में 36 जोड़ दूंगा तो कितना 50 आएगा? अब यही क्वेश्चन का बस आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बोला गया कि हाँ मैंने डिवाइडर लिया। क्वेश्चन नंबर पहला ही बोला कि कहाँ जा रहा है, क्या हो गया तेरे को, दिक्कत क्या हो रही? पहली बात करें तो बोला कि यहाँ पे क्या, मैं पहले वाले में बोला कि 50 के साथ डिवाइडर लो, बोला ठीक है तुम्हारी बात है, सरा के इक्वल टू लगा दो, ये लो इंटू लगा दो, बोला ठीक है ये लो, फिर प्लस लगा दो, बोला ठीक है भाई फिर माइनस लगा दो, 10 × 1 + 5। देखो इक्वलिटी के बाद इंटू लगाया, प्लस लगा, माइनस, बोल के देखो ये कितना आ रहा है, ये तो 10 आ रहा, कितना आ रहा 10 आ रहा, इधर देखो तो कितना बनेगा? बोले 10 में से कितना 10 × 1 बनेगा, 10 × 5 = 15, ये तो आ गया 10 × 1 कितना 10 आ गया, और ये तो खत्म हो गया है तो 0 बन गया, 10 और 10 इक्वल आ गया, क्या बोलोगे? ये तो गजब हो गया, पहला ही ट्रू आ गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं, पहला ही ट्रू आ गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं। सुभान भाई, पता है पास में पंखा है और उस पंखे से उनको दिक्कत होता है, वो पास रहता है ना, लगता है कोई इंसान चढ़ पे चढ़ के बैठा है, तांडव टाइप कर रहा है, मेरे को ऐसा स्ट्रेंथ फील हो रहा है, पढ़ा तो रहा हूँ बट ध्यान इधर नहीं, अब इधर चलेगा, ठीक है यही करेक्ट है, क्या बोलेंगे? यही करेक्ट है। आगे चलते क्वेश्चन 3 पे, थोड़ा फास्ट भागेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है, बोलोगे देखो 35 से अगर मेरे को भैया 135 के पास आ रहा तो सिंपल सी बात है, क्या बात है? बोलोगे देखो भैया 35 का 4 गुना करो कितना आएगा? 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 40 सेकंड और ये नंबर है, बट इससे हमको यहाँ पे चला ना तो 5 कम कर दो क्या, मैंने एक्स नंबर था उसमें हमने क्या कर दिया, उसका पहले मैंने कितना कर दिया, 4 गुना कर दिया और जो भी रिजल्ट आया उसमें से क्या कर दिया, माइनस 5 किया, मेरे पास क्या गया, रिजल्ट आ गया। यही क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन का पैटर्न है। यहाँ पे 24 है तो 24 का 4 गुना कर दो कितना आएगा, 24 का 4 गुना 96 आ गया और 96 से 11 बजे मिली 5 कम, 4 गुना फिर माइनस 5, बोलोगे देखो भैया यहाँ पे 17 का 4 गुना करके कितना आएगा, 17 का 4 गुना 67 × 68 होता है, 68 में से 5 घटा दे कितना होगा, 63 बनेगा। इस प्रकार से ठीक है क्वेश्चन, राइट आंसर ये खत्म, ये खत्म, ये सही है, ये खत्म। भैया हमारा नेम शुभम लीजिए, पिता है ना,
लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आता हुआ, ये सब आप सबका फेवरेट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गलती तो होगी नहीं, बोला गया। देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, एच तो बताओ, अगर मेरे पास एच यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे एच कुछ ऐसा दिखाई देगा, और कहाँ ऐसा, बोलोगे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा, यहाँ पे तो बदल गया भैया, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा, क्या ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा। इधर मेरे पास ए ए आ गया, सी आ गया, डी, अब बताओ सात मेरे पास, अगर यहाँ पे सात ऐसा है, यहाँ पे सात मेरे पास कैसे, सात मेरे पास ऐसा दिखाई देगा, ये कहा है तो झुक गया भैया, तो उस पर आ जाए, झुक कैसे हटा दो इसको, यहाँ पे क्या बोल गई, देखो भाई यहाँ पे डी यहाँ पे झुक गया, इसका ऑप्शन क्या मेरे पास सी राइट है, क्या बोलोगे ऑप्शन सी में राइट है, कोई दिक्कत है क्या, कर पा रहे हो आप लोग, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, अगर मैंने 13 को क्या लिखा, 13 को हमने 69 लिखा है, 23 में क्या लिखूंगा, देखो बात तो ऐसी कुछ आ रही है कि 13 13 6 कितना होता है, 13 6 78 होता है, और 78 में से अगर मैं 9 घटा दूं, यानी जो भी नंबर था यहां पे, जो भी नंबर था उसका हमने क्या कर दिया, 6 टाइम्स कर दिया, जो भी आंसर आया ना 13 का 6 टाइम्स 78 का 78 में से 9 घटा दे, कितना 9 घटा दे, यही मेरे पास क्या बना पैटर्न बना, यही मेरे पास क्या बना पैटर्न, बोलो कि देखो भैया यहाँ पे ये पैटर्न तो साबित करो पहले, तो 23 6 कितना होता है, 6 18 6 12 13 138 में क्या करो, 138 में से 9 घटा दो, कितना 120 बनेगा, सही जा रहा भैया, 76 कितना होता है, बोलोगे 102, कितना 6 6 4 102 बन गया, और 102 में से क्या कर दो, 9 घटा दो, कितना बनेगा 93 बनेगा, कितना 93 बनेगा, 93 में पास क्वेश्चन का राइट आंसर, ये खत्म हो गया, ये सही है, खत्म, ये भी खत्म, 93 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 84 कैसे आएगा आप लोगों का भाई, इसका 4 गुना 6 गुना करो ना, 76 6 6 4 102 आ गया, 102 में से 9 घटाना है, कितना बनेगा 12 में से 9 3 बनेगा, और 9 93 आएगा ना, ये 84 क्यों दे रहे हो आप हैं, इतना मेरा कैलकुलेशन इतना गलत हो गया, आप लोग इतना सही हो गया पता नहीं, एक मेरा भाई बस रणधीर और प्रियंका ने मेरा साथ दिया है, और सब लोग हमारे से जुदा हो गए हैं, 93 क्या क्वेश्चन राइट आंसर, 93 क्या क्वेश्चन राइट आंसर, ठीक है क्या, ये नहीं मेरे पास क्या है राइट आंसर, कर लेंगे आप लोग, सी विल बी राइट आंसर, वेरी गुड सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ी आसान सा क्वेश्चन, क्या पूछा गया हमसे, पूछा गया तीन का विपरीत बताओ, तीन का विपरीत, हम बोलेंगे कॉमन देखते हैं, कॉमन देखा हमने तो कोई भी दो कॉमन नहीं है, अगर दो कोई कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे हम, किसी एक को पकड़ेंगे, बोलोगे यहाँ पे भी तीन है यहाँ पे भी, और एक को पकड़ने के बाद क्लॉकवाइज, एक को पकड़ने के बाद क्लॉकवाइज घूम जाए, तो बोलोगे देखो पहले वाले पिक्चर में क्या आ गया, पहले वाले पिक्चर में तीन आया भैया, फिर पांच आया पीछे, दूसरे वाले पिक्चर में कितना आया, बोलोगे तीन आया फिर एक आया फिर दो आया, बोलोगे देखो भैया दो का अपोजिट छह आ गया, एक का अपोजिट पांच आ गया, और जो छुपा होता है ना वो कॉमन का अपोजिट होता है, तो हमसे किसके बाद हमसे तीन का अपोजिट पूछा है, तीन का अपोजिट क्या चार आ गया, और बाकी सब क्या है, बाकी सब बोल गया, कोई दिक्कत है किसी को, मैंने सही दिया था, आखिर में असर तो पड़ना है, असर तो पड़ेगा ही, चलें फोर क्या होगा बस राइट आंसर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, प्लेटिनम की बात है, किसकी बात है, प्लेटिनम की, देखो यहीं पे देखते हैं, पी कितना होता है, पी 16 होता है, एल कितना होता है, एल 12 होता है, ए कितना 1, बी कितना 20, आई कितना 9, एन कितना 14, यू कितना 21, एम कितना 13, बोला गया प्लेटिनम को, और देखो 16 था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 16 था तो 16 किसने क्या लिखा, 17 लिखा है, यहाँ 12 था तो 12 किसने क्या लिखा, 13 लिखा, यहाँ पे 1 था तो 1 किसने क्या लिखा, 2 लिखा, यहाँ 20 था तो 20 क्या लिखा, यहाँ पे 21 लिखा, यहाँ मेरे पास कितना था भाई 9 था, तो 9 किसने, मैंने क्या बोलोगे यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न क्या है, यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न क्या भाई, कि लेटर जो यहाँ पे पोजीशन है ना, जो इनका पोजीशन है उस पोजीशन में एक जोड़ दिया गया, जो भी पोजीशन है उसमें प्लस वन जोड़ के हमारा क्या आंसर दिया गया, पैटर्न क्या है कि जो भी पोजीशन है उसमें एक जोड़ के लिख दिया गया था, हमारे पास क्या पूछा गया गोल्ड की बात, किसी गोल्ड की बात, तो बताओ जी कितना 7 है, तो कितना 15, एल 12, डी 4, क्या बोलो एक एक जोड़ के लिखो ना भैया, 7 में जोड़ 8 आ गया, 15 में जोड़ 16 आ गया, 12 में जोड़ 13 आ गया, 4 में जोड़ 5, क्या बोलोगे 8 16 135, 124 नहीं गया, ये नहीं गया, हां ये सही में पास 8 16 135 ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी कुछ लिखा है राइट आंसर, हां नंबर प्लस वन कर दिया गया, ठीक है बहुत बढ़िया, सभी लोग समझ पा रहे हैं, गुड इवनिंग पल्लवी, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आता हुआ, आराम से पढ़िए क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, आपके पास क्या बोला सेवियर की बात हुई, एस ए
एस ए वी आई ओ यू आर सेवियर की बात हुई और यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया क्यू आई एक्स सी क्यू एस टी, क्या लिखा क्यू एस टी, इसकी बात हो रही। और हमसे पूछा गया कि तुम बताओ भाई तो उस भाषा में हाइट्स को क्या लिखा, क्या पूछा गया हाइट्स को एस ई आई जी एच टी एस हाइट्स को क्या लिखेंगे, तो बोलोगे देखो हमको तो आता वही है नंबरिंग करना, एस 19 होता है भैया, ए 1 होता है, वी 22 होता है, आई 9 होता है, ओ 15 होता है, यू 21, आर 18। यहाँ पे यू 21 हो गया, वाई 25 हो गया, एक्स 24 हो गया, जी 7 हो गया, यू 17 हो गया, एस 19, टी 20। अब देखो क्या पैटर्न है, ए को मैं जरूर पड़ेगा तो 26 से ज्यादा 27 ले सकता, बोलोगे देखो 19 से 21 गया भैया, आपने 2 प्लस किया, 27 से 25 गया 2 माइनस किया, 22 से 2 गए ज्यादा 24 चले गए, 9 से 2 कम 15 से 2 ज्यादा 2 कम 2 ज्यादा, यही तो पैटर्न प्लस 2 माइनस 2 यही तो पैटर्न। और एक बात देखना यहाँ पे, ये ऐसा तो नहीं है मेरे पास किसकी बात करे, मेरे पास उसकी कोई वोवेल कॉन्सेप्ट की तो बात नहीं है, दिख तो रहा है यहाँ पे मेरे पास ए भी वोवेल है, मेरे पास यहाँ बात करें आई भी वोवेल है, मेरे पास सी भी वोवेल, बट यहाँ पे ओ भी तो वोवेल है, इसमें वोवेल कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रहा है, अल्टरनेट जा रहा है प्लस टू माइनस टू। बोलोगे देखो एच 8 होता भैया, ई 5 होता, आई 9 होता, जी 7, एच 8, टी 20, एस 20। बोलोगे देखो 8 प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू, क्या बोलोगे भैया 8 2 10 10 पे जे होता है, 5 में 2 जाएगा क्या होता है भैया 5 में 2 जाएगा 3 सी होता है, 9 2 11 के होता है, 7 में से 2 जाएगा 5 5 पी होता है, 8 2 10 जी आ गया, 20 में 2 जाएगा कितना आर आ गया भैया 19 तो 21। बोलोगे जी आर यू कहां है, ई आर यू हटा दो इसको, जी आर यू यहां पे है, आर जे यू हटा दो इसको, यहां पे ई आर यू हटा दो इसको, क्या बोलोगे ऑप्शन नंबर बस बी ही ट्रू है, जे सी के क्या बोलोगे जे सी के ई जे आर ई जे आर यू, बोलोगे ऑप्शन नंबर क्या मेरे पास बी ही क्वेश्चन राइट आंसर, कर लोगे क्या हंसी किस बात क्या रही आप लोग, एंड हंसी किस बात क्या रही कैसे बोल रहा हूँ पागल जी। आगे बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला गया कि अपने बताओ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही है। बोलोगे देखो भैया हम करते हैं यहाँ पे लड़ाई, पहली बात तो लड़ाई करने का मौका मिलता है, 5-2 बोलोगे 5 में 2 में 3 में हमारी चलती है लड़ाई। बोलोगे देखो भैया 5 ही रहा 2 ही रहा 3 ही रहा, अब देखेंगे इसमें हो क्या रहा। बोलोगे देखो भैया मेरे पास चैप यहाँ भी है, मेरे पास चैप छोड़ दो, मेरे पास क्या है यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे सी एच है और यहाँ पे क्या सी एच है, सी एच के बाद यहाँ पे आर आर 18 पे आता भैया, यहाँ पे क्या पी 16 पे आता और पी 16। बोलोगे भैया मेरे पास 5 का पत्ता कट गया, 5 वाला पत्ता कट गया, मेरे 5 तो पहले पे नहीं उड़ा दो इसको, अब 2 और 3 में कौन आएगा, 2 और 3 में मेरे पास बोलोगे पी तो यहाँ भी है भैया, यहाँ पे ई कितना होता है 5 होता है और यहाँ पे टी 20, बोलोगे 3 का पत्ता भी कट गया, 3 वाला भी खत्म। अब भैया तो बी हो गए तो सी, बताओ दूसरे पे चलेगा तो क्या, दूसरे पे 5 और 3 है, बोलोगे भैया ये 3 और ये 5 तो इसमें लड़ाई क्या चलेगी, बोलोगे देखो भैया ये सी एच है सी एच है, यहाँ पे 8 है यहाँ पी 16, बोलोगे 3 पहले आएगा, मैंने क्या बोलोगे ऑप्शन ये सही ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत सी सही है, कर पा रहे हो क्या 2 3 5 4 1 ऑप्शन सी मेरे पास क्या सही है, कर पा रहे हो ना आप लोग अच्छे से, बहुत बढ़िया वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बढ़िया वेरी गुड, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देना आपने पढ़ा होगा, आपको मैथ्स आता है, आपको मैथ्स आता है क्या, बोलोगे 6 का क्यूब कितना होता है भैया 6 का क्यूब 216 होता है, इसको लिखने का तरीका क्या है, बोलोगे देखो भैया 6 × 6 × 6 ऐसे लिखते हैं ना, 6 को हमें ब्रेक कर दिया 2 और 3 में, किसे 2 और 3 बताओ ये 18 होता है क्या, ये मैंने आपको कुछ एनालिसिस करना चाहिए, ये 12 बताओ 18 × 12 में कितना 216 होता है, मैंने बोलोगे देखो भैया 18 दिखा ना 18 के साथ मेरे को 12 दिख गया 18 × 12 कितना 216 होता है, आपने 18 के साथ 12 ही क्यों मल्टीप्लाई किया। आगे चलो बोले देखो भैया मेरे पास 20 है भैया 20 और 20 से मेरे को 280 के पास क्या करूंगा 0 0 कटेगा 14 मिनट पहले, तो बोलोगे देखो हो क्या रहा है ना भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है पैटर्न, देखो यहाँ 18 था तो 18 से कितना कम गया 6 कम गया 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ 20 था तो 20 से कम कहा 6 से कम, 20 से 6 कम 14 पे, माने यहाँ पे एक्स नंबर है ना, एक्स से आप 6 कम जा रहे हो, एक्स से आप 6 कम जा रहे हो और इसी एक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, 18 में 6 कम करके गए 12 18 × 12 200 लगे, मेरे पास 20 में 6 कम करके गए 14 20 × 14 कितना, तो यहाँ क्या बोलोगे 12 है तो भैया 12 में 6 कम करके जाओ 6 तो 12 6 कितना आगे 12 6 72 आ गया 72 क्या राइट आंसर, 80 खत्म 82 खत्म 84 खत्म 72 क्या क्वेश्चन राइट आंसर, बहुत बढ़िया चले आगे बहुत बढ़िया वेरी गुड 72 क्या क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन 11 आराम से पढ़ना जल्दीबाजी मत करना है, जल्दीबाजी करोगे गलती आपकी होगी नंबर आपके जाएंगे आपके पीछे होंगे, बहाना मत बनाना कि भैया आपने नहीं पढ़ा है। 7 मित्र हैं ये बोला गया प्रत्येक की अलग अलग आयु है ठीक है, बोला गया सी डी से आगे सी डी से बड़ा है, सी क्या है डी से बड़ा है ठीक है, बी सभी में सबसे बड़ा है, बी क्या है सभी में सबसे बड़ा है ठीक है, ई जी से बड़ा है, बोला गया ई जो मेरे पास हो क्या जी से बड़ा है
लेकिन एफ से छोटा है, लेकिन क्या एफ से छोटा है, ये लो ई जो है जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, जी सी से जी जो है सी से क्या बड़ा है, मैंने इसको उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो बी ए जी, क्यों भाई उसने बोला ना जी जो है वो क्या सी से बड़ा है, केवल दो व्यक्ति सी छोटे हैं, केवल दो व्यक्ति सी छोटे, मैंने यहाँ पे कोई आएगा तो बोलोगे तीन और तीन छह तो हो गए, अब कौन बच गया, मेरे पास ए ही तो नहीं है, ए यहाँ पे छिपा हो जाएगा, बोलोगे ये क्या है इसका पैटर्न है, ये इसका पैटर्न है, पूछा गया कि मेरे पास ई से कितने व्यक्ति छोटे हैं, ई से कितने व्यक्ति छोटे हैं, देख लो भाई कितना, एक व्यक्ति दो व्यक्ति तीन व्यक्ति चार व्यक्ति, बोलोगे पांच नहीं भैया एक नहीं चार व्यक्ति छोटे हैं, तीन भी नहीं चार, मेरे पास क्या क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेंगे क्या आप लोग, कर दिया लॉकिन कर दिया, सबसे बड़े आपके पास पैटर्न बन गया, ई से छोटे कितने हैं तो जी सी डी है चार छोटे हैं, वही हमारा आंसर है, इस प्रकार से क्या बोलोगे चार इधर आइट आंसर, किसी का आंसर नहीं आया सब बना तो रहे, वेरी गुड छोटू, सबसे पहले छोटू का आया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिखाया तो बोला गया ग्रेप्स क्वेश्चन कुछ लिखा है, क्या बोला गया ग्रेप्स क्वेश्चन कुछ लिखा है, जी आर ए जी आर ए पी एस ग्रेप्स को क्या लिखा है इसने, बोला गया एस ए आर एस ए आर ई पी जी लिखा है, बोलोगे हो क्या रहा है ये क्या पंगा है, अरे क्या रहा हम बीच वाले को नहीं, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम देखेंगे हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर बोला गया नंबर, क्यों बोला गया नंबर, बोला गया नंबर, तो बोलोगे देखो हो क्या रहा है, मेरे पास ए यहाँ पे चला गया आर यहाँ पे, ये तो क्रॉसमेंट ये यहाँ पे और जी जो मेरे पास था ना वो भी है लास्ट में आ गया उठ के, और जो मेरे पास एस था वो यहाँ पे आ गया, बोलोगे देखो ये एन उठ के यहाँ पे जाएगा पहले और ये आर उठ के यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्या हो रहा, उसके बाद झिकझिक हो रहा, उसके बाद क्या झिकझिक हो रहा, माने ये ऐसे हो रहा, माने क्या यहाँ पे एम आ गया यहाँ पे आ गया, ये ऐसे हो रहा है यहाँ पे क्या ई आ गया यहाँ पे बी आ गया, क्या बोलोगे बस आंसर आ गया ना भैया आर एम यू, रमू की बात हो रही, ये आर एम भी गलत हो जाएगा, देखो आर एम भी गलत हो जाएगा, लास्ट में क्या है आर एम यू ई बी है, वो भाई साहब सब लिख दिया ना उन्होंने आर एम यू ई बी एन है ई बी एन, तो बोलोगे यहाँ एफ बी एन है इसको बेटा तू, मेरे पास आर एम यू ई बी एन, ऑप्शन में क्या ऑप्शन में सी मेरे पास क्वेश्चन है राइट आंसर, विदाउट पैटर्न सब विदाउट पैटर्न अब ऑप्शन वाओ, क्या हुआ काजल ठीक है सर, भाई कोई किसी को ब्लॉक नहीं करेगा यार, आपस में मिलजुल के रहिए और बस प्यार बांटते रहिए, अपना एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते रहिए, क्यों किसी को ब्लॉक करना, क्यों किसी से झगड़ा करना, लड़ाई करना, कट्टा क्यों करना है, अब एक तो किसी के नसीब में इतना लोनली क्या बोलते हैं लोनलीनेस आ जा रहा है कि बेचारा डिप्रेशन ये वो चीज का शिकार हो जा रहा है, आप लोग तो बहुत अच्छे हो कि आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के साथ डेली आके क्लास में टेस्ट लेते हो, क्यों इधर उधर की बात करना, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए ठीक है ना, तो कोई किसी को ब्लॉक व्लॉक नहीं करे, सबको प्यार से रहें और पढ़ाई करें खूब आगे बढ़े, पढ़ाई के साथ साथ अपना हेल्थ पे बॉडी पे ध्यान देना, सर आपको सारे भैया क्यों बोलते हैं, गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं भैया हूँ तो सारे भैया बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन करने की जरूरत कोशिश करिए, बोले देखो भैया अगर मैं बात करूँ इस वाले पिक्चर को उठा के देखो तो मेरे पास यहाँ पे ना ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, इस वाले यहाँ क्या दिख रहा है ब्लॉक दिख रहा है, ये लो बोलोगे देखो ब्लॉक तो दिख रहा है लेकिन ये ब्लॉक बड़ा नहीं है थोड़ा, ये ब्लॉक इसी कमी से बड़ा नहीं है क्या, देखते हैं बड़ा छोटा की बात करेंगे आगे, बोलोगे देखो ये लाइन आगे जा रही है, हाँ ये लाइन आगे जा रही है, यहाँ पे एक लाइन जो थी ये आगे भी जा रही है, ये देखो आगे भी आ रही है, आगे बोलोगे देखो आगे जाके नहीं ब्लॉक आगे भी जा रहा है, बट ये ना भैया ब्लॉक आगे नहीं जा पाए, सब चीज सही था बट यहाँ पे जाकर धोखा करता, धोखा कहीं भी हो धोखा धोखा ही कहलाता है, या पहली बार में धोखा खाइए या साथ साथ चल के कुछ दूर बाद धोखा खाइए या एंड में जाकर धोखा, धोखा धोखा ही कहलाता है, पहले खाओ बीच में खाओ लास्ट में खाओ, धोखा कहने का मैंने कुछ और से मत लेना, धोखा मैंने कुछ भी हो सकता है, चलिए बात करेंगे ये कहाँ है, बोलोगे देखो ये वाला पिक्चर वहीं से तो आया भैया, ये वाला पिक्चर वहीं से तो आया, मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या, बोलो हाँ देखो ना भैया ऐसा ही तो है, बोला ठीक है भाई, बोलोगे ये लाइन ऐसे आ रही है, हाँ ये लाइन भी ऐसे आ रही है ठीक, आगे बोलोगे देखो भैया आगे जाके मैं ऐसे कहूंगा तीन ब्लॉक मिल लेगा, मेरे को हाँ तीन ब्लॉक मिल लेते, बोलोगे क्या दे रही है इसको मारो ना ऐसा हटा दोगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी मेरे पास इसका ब्रो मिल गया, और ब्रो मिलते इसका आंसर क्या होगा सी हो जाएगा, मुझे जो ब्लॉक कर देता है मुझे मजा आता है, दो पर्सन है जो ब्लॉक किए हैं मुझे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कोई ब्लॉक करे तो, राइट मैं तो आपको सॉरी बोलूंगी ठीक है, शुक्रिया चले आगे, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सी इज द राइट आंसर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, आराम से ट्राई करिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्वेश्चन आराम से करना है बस करते जाना है हो जाएगा, आगे बोलोगे क्या 27 आ गया प्लस में कितना है पास 3 है माइनस में 10 है इक्वल टू, हमने बोल दिया 27 प्लस 3 है माइनस में 10 है इक्वल टू बोल दिया, और यहाँ पे 10 प्लस 10 बोल दिया, क्या बोलोगे देखो 27 और 3 कितना होता है 30 होता है,
30 माइनस 20 और यहाँ पे कितना है 10 प्लस 10 तुम लोग ये इक्वल आ गया ना भैया, इधर भी 20 इधर भी 20 तुम लोग ये तो क्या इक्वल आ गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन वन ही सही है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है बस, और सारे क्या गलत है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं, क्वेश्चन 15 आपके सामने आता हुआ आराम से ट्राई करेगा, आपको बहुत चीज पता है इसके बारे में। बोलोगे देखो भैया अगर यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर से फोल्ड करना है तो सबसे पहली बात ये स्क्वायर यहाँ पे चिपकेगा, अच्छे से बनाओ, ये स्क्वायर यहाँ पे चिपकेगा भैया, फिर ये स्क्वायर यहाँ पे चिपकेगा और फिर स्क्वायर यहाँ पे चिपकेगा, बताओ बीच में चार स्क्वायर अच्छे, यहाँ पे सर्कल क्या करा स्क्वायर आओ, यहाँ पे भैया सर्कल क्या करा स्क्वायर आओ, यहाँ पे सर्कल क्या करा स्क्वायर आओ, ऑप्शन इलिमिनेशन बेस्ट टेक्निक होता है। बोलोगे देखो भैया यहाँ पे चारों सर्कल लेके, हाँ चारों है ना, ऑप्शन डी क्या है, तो बोलोगे इस प्रकार से जब इसको देखेंगे ना भैया, इसको जो फोल्ड करके इसका ब्रो कहाँ मिलेगा, इसका ब्रो डी में मिलेगा, इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर। क्या बोलोगे, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऐसे फोल्ड किया गया था ऐसे और फिर ऐसे फोल्ड किया गया, तो यहाँ पे दिस वन डी इज द राइट आंसर। ये चार नजर वाला कौन है, चार नजर किसके आगे भाई, इंसान है भगवान है चार नजर वाला, पता नहीं दो नजर में देखो यहाँ पे नजर में लड़ाई चलेगी, चलें क्या, डी क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, फिर से आपके साथ एक क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा सही से बना दीजिए। बोला कि यहाँ पे पहले ऑप्शन नीचे बोला गया 46 है, ठीक है, प्लस में कितना 75, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, आगे बोला गया माइनस में 41 है, हमने मान लिया कि चलो तुम्हारी बात को प्रेफरेंस देते हैं, इक्वल टू 16/5, तो बोलोगे देखो सॉल्व तो करो, यहाँ पे 6 5 11, 4 7 11 12, 80 आ गया, यहाँ पे कितना 80 आ गया, यहाँ पे कितना, बोलोगे तो गजब हो रहा भैया, मैथमेटिकल ऑपरेशन आज पहली ऑप्शन ट्रू हो रहे हैं, ऐसा होता है कभी कभी, दिन अच्छा होता है ना ऐसे होता है, ऑप्शन ए क्या इसमें ट्रू आंसर। सर आपने स्क्वायर ही क्यों किया इसमें निरु, अच्छा स्क्वायर था तो स्क्वायर किया पागल, देखो यहाँ पे मिरर इमेज बनाया हमने, यहाँ पे जो था वही तो बनाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो जब इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, जब इसको फोल्ड करोगे तो स्क्वायर फिर से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पे सर्कल होता सर्कल बनता, फिर ये देखो सर्कल है ना ये सर्कल, इसका इमेज सर्कल बनेगा, फिर ये स्क्वायर नीचे उतर गएगा, फिर ये सर्कल नीचे उतर गएगा, अब इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ पे सर्कल बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, जब इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ पे सर्कल आएगा, फिर यहाँ पे सर्कल आएगा, फिर यहाँ पे सर्कल, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ पे सर्कल बनेगा, जो है वही तो बनाओगे, देखो यहाँ पे दो सर्कल यहाँ पे, दो सर्कल यहाँ पे, ये लो दो सर्कल यहाँ पे, दो सर्कल यहाँ पे, कॉर्नर पे सारे स्क्वायर है, कॉर्नर पे सारे स्क्वायर है, बोलो हाँ कॉर्नर पे सारे स्क्वायर है, और बगल बगल क्या दो दो सर्कल है, बोलो ये दो सर्कल, तो जो है वही तो बनाएगी अपना, वो थोड़ी करेंगे, वाह वाह बारिश हो रही है बहुत बढ़िया है, ऐसे एग्जाम होगा, अब ऐसे एग्जाम होगा टेंशन ना लो, अब ऐसे एग्जाम नहीं हो। चलो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको पता है क्या, मैंने सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कंसेप्ट कि जब महीना क्या हो, जनवरी का हो, फरवरी का हो, और साथ ही साथ लीप ईयर हो, लीप ईयर, तो याद रखना आंसर देते टाइम याद रखना रिमाइंडर में से घटा दे, क्या करते हैं, जब महीना जनवरी फरवरी का हो और साथ साथ लीप ईयर भी हो, आंसर देते टाइम एक कम करते हैं रिमाइंडर में से, और बाकी आपको याद है कहानी 144 025 036 146, क्या होता है मंथ कोड, बोलो कि जनवरी का होता है, फरवरी का होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है, दिसंबर होता है, यहाँ बात करो क्या, यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बोलो कि संडे 1 होता है, मंडे 2 होता है, ट्यूसडे 3 होता है, वेडनेसडे 4 होता है, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, ये सैटरडे 6, बस इतनी बात, बोलो कि देखो चीक तो करो भाई, चीक तो करो यहाँ पे, क्या बोलोगे फर्स्ट क्या बोला गया सेकंड जनवरी, क्या बोला सेकंड, तो बोलो कि भैया पहले डे कोड लिखते हैं, रिमाइंडर निकाल जा रहा हूँ, पहले डे कोड लिखते हैं भैया, फिर भी क्या जनवरी, जनवरी की रिपोर्ट क्या प्लस में, यहाँ पे लास्ट ईयर लेंगे क्योंकि 21 शताब्दी की बात हो रही है, तो 100 जोड़ कर कितना होगा 108 होगा, और 108 में 4 से भाग लो कितना बनेगा, 4 2 8 4 7 28 बटे में कितना सा, बटे में कितना सा भाग दो इसको, देखो क्या आता है रिमाइंडर कैसे निकालोगे, बोलो देखो भैया ये 7 से भाग दे 4 7 28 एक माइनस का एक रिमाइंडर, एक कम है तो माइनस एक निकाल दिया, बोले देखो भैया ये एक और एक क्या हो गया, यहाँ पे 108 और 2 कितना बन गया, तो बोलो 110 बन गया, 110 में 7 से भाग गया कितना बनेगा रिमाइंडर, 7 एकम 7 40 बन गया, 7 5 35 5 रिमाइंडर कितना है 5 रिमाइंडर, बट ध्यान रखना ईयर देखो मंथ कैसा है, मंथ जनवरी का और ईयर कैसा है लीप ईयर, तो बोलोगे भैया ऐसा देख टाइम क्या करें एक माइनस, मैंने हमारे पास किचन में कितना है 4 आया, और 4 के लिए कोड क्या होता है, 4 के लिए कोड क्या वेडनेसडे, कैसे वेडनेसडे लिखा है क्या इसने बुधवार लिखा, बोले हाँ सही लिखा इसने, इसने सही लिखा, बट हमारा क्या था हमारा देखो हमसे पूछा एक जनवरी को, बोलो एक जनवरी रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, एक जनवरी, जनवरी के लिए कोड क्या है, जनवरी के लिए कोड क्या, 2012 है तो बेस 100 मान के 112, यहाँ पे इसे भाग लगाओ 4 से 4 2 8 बटे में कितना,
देखो कितना आएगा, तो बोलोगे देखो कितना आएगा, ये तो सात का मल्टीपल हो जाएगा, ये एक और एक दो और 112 में जोड़ो 114 आ गया, बटे में सात, रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, सात से एक बार में जाएगा 44 बन गया, सात से 45 तो बोलोगे रिमाइंडर टू आएगा, बट टू नहीं देंगे क्योंकि मंथली मंथ जनवरी का और ये लीप ईयर है, तो बोलोगे ऐसा देख करके बोलेंगे ऐसा देखते हैं रिमाइंडर में एक कम कर देते, कितना आएगा एक आएगा, डे के लिए क्या होता है, एक के लिए डे को क्या संडे है, बोलोगे उस दिन क्या था, उस दिन संडे था। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार रीजनिंग का पैटर्न, रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, तो मंगलवार नहीं होगा, सोमवार नहीं होगा, रविवार में बस क्या राइट आंसर, शनिवार नहीं होगा। आज तो बहुत सी आ रहा है, पूजा जल्दी बताओ जो तुम्हारा वही हमारा, हे वाह बहुत दोस्ती चल रही है, जल्दी बताओ जो तुम्हारा वही हमारा, क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन 18 आपके सामने आता है, बोलो बड़ी आसान क्वेश्चन होता है भैया, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, यहाँ मेरे पास 4 है, इसका इमेज अगर बनाएंगे तो मेरे पास 4 ऐसा बनेगा, ऐसा 4 कहाँ बनेगा, ऐसा 4 कहाँ है, तो बोलोगे देखो यहाँ पे उल्टा देकर देश पटा दो, यहाँ 4 ऐसा बने देश पटा दो भैया, अब याद देखो इसको बैठा दो, एक ही ऑप्शन बचा सी, देखो ना कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है, अगर मेरे पास 4 यहाँ पे ऐसा, तो बोलो 4 कैसा बनेगा, 4 ऐसा बनेगा यहाँ पे ऐसा बनेगा, बोलो ये तो उल्टा कर दिया, इसने 4 इधर ही बना दी तो और गलत है, इसने 4 बनाने की साहस कर, यहाँ ऐसे ही बनाया, इसने 4 उल्टा कर दिया, क्या बोलो इस प्रकार ऑप्शन सी में बस क्या है, हाँ तो गजब, ये पेपर जिसका भी होगा पक्का मैथ्स रीजनिंग में 25 में 25 लाया होगा, 25 में 25 लाया होगा, ये पक्का जिसने बनाया होगा 100% ठीक, इसका आया 8, ये बहुत पिटाएगी, बहुत बहुत पिटाएगी, बहुत प्यार चल रहा है इस पर, है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सी डी किसी का दुनिया है ना, बात करें यहाँ पे देखो 9 की बात करें, इसको पकड़ो भाई, इस प्रश्न पर यहाँ पे 9 मेरे पास ऐसा है, बोलोगे 9 मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा बने, अब ये कहाँ ई ऐसा कहाँ लिखा है, मेरे पास ई ऐसे कहाँ लिखा है, बोलोगे देखो भैया यहाँ नीचे लगा दिया, ये नीचे क्यों लगा, ऊपर होना चाहिए, हाँ यहाँ पे ठीक है भैया, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, अब 7 को पकड़ो, 7 मेरे पास क्या, 7 मेरे पास ऐसा है, तो बताओ 7 मेरे पास यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है भैया यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ भी लिख रहा है, बट इसने उल्टा कर दिया, ऑप्शन डी को हटा दो, अब आगे 4 पे, 4 मेरे पास क्या, 4 मेरे पास ऐसा है, तो 4 मेरे पास ऐसा बने, अब ये कहा है, बोले इसने उल्टा कर दिया, इसको हटाओ भैया, क्या बोलोगे, एक ही मेरे पास ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, इस प्रकार से ऑप्शन बी मेरे पास क्या है, मजा आ रहा क्या, इसका पेपर देख रहे हो, बेचारी एक्स एक्स वही तो है जो हमने प्यार कर, करती है, फिर भी तो यहाँ प्यार हो रहा है, जलन हो रही है, देखो इसने क्या लिखा, बच्चों को नहीं मरते पाप लगता है, पाप नहीं लगता, बच्चों को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 में क्या है मेरे पास, 16 काम करें क्या, 16 से कम जाएंगे 15, और 15 के स्क्वायर में एक कम करेंगे तो कितना 224 आ गया, यहाँ भी 20 है, 20 में कम करो, 20 में कम कितना 20 आएगा, सॉरी 21 में कम 20 आएगा, और इसके स्क्वायर में से एक कम करो कितना है 399, बताओ यहाँ पे कितना है, बोलो भाई यहाँ पे कम करो कितना है 34 आएगा, और 34 के स्क्वायर में से कम करो कितना है 1155 आएगा, यहाँ बताओ 17 से कम करो कितना आएगा 16 आएगा, और 16 के स्क्वायर में से एक कम कर दो कितना आएगा, है नहीं गलत है, पर जो गलत है वही क्या क्वेश्चन राइट है, ये सब गलत मेरे पास है, क्यों सही है, क्योंकि मेरे को बिशप सुन रहा है, ये देखो 34 मेरे पास है, 34 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 4 का स्क्वायर पहले 16, एक कैरियर ने 4 3 12 का डबल कितना, 12 का डबल 24 से कितना 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 2 11 बोलो 11 56 हो गया, और 11 56 में से कम क्या था, वही मैं बता रहा हूँ इसका स्क्वायर होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्या डी क्वेश्चन करेक्ट है, नवरात्रि आने वाली है और हम लोग देवी का रूप है, ओहो क्या हो रहा,
आगे बढ़ते क्वेश्चन 21 पे। क्वेश्चन 21 आपके सामने आसान आता हो, बट ये सारे आज का पेपर ना ऐसा है कि 25 आउट ऑफ 20 होना चाहिए। बोलो कि 20 यू कितना है, 21 बी कितना है, 22 एक ही बढ़ रहा है। आगे बोलो क्या होगा 23 और 23 भी क्या होता है, 23 पे डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू कहाँ है, बोलो कि डब्ल्यू सब में दे रखा है, ठीक है। बी कितना था, बी में बस 2 होता है, ई कितना पांच, बोलो 2 से 3 आगे चला गया, अब 5 से 3 आगे जाओ 8 पे, 8 पे करते हैं डब्ल्यू के बाद एच आएगा, बोलो यहाँ पे तो जी हटा दो, यहाँ पे आर हटा दो, यहाँ पे आर हटा दो, क्या बोलोगे डब्ल्यू एच ओ एक्स। इस प्रकार से बस क्या बी इंपेक्ट पैटर्न देखो ना, 21 22 23 आएगा, एक एक आगे गया, फिर क्या 2 से 5 5 से 8 बोलोगे 3 आगे जा रहा हो 8 पे क्या एच आता है, इस प्रकार डब्ल्यू एच आगे क्या आएगा पता नहीं, डब्ल्यू एच तो आगे आएगा। इस प्रकार से बी में बस के क्वेश्चन का राइट आंसर। चले आगे, क्या हो गया इस क्वेश्चन में, इसमें क्या डाउट हो गया, यहाँ पे 16 था, एक कम करो 15, 15 के स्क्वायर में से कम करने 220 आ गया, यहाँ पे 21 था, 21 से कम करो 20, 20 के स्क्वायर में से कम करो कितना गया 399 आ गया, यहाँ 35 है, 35 में कम करो 34, 34 स्क्वायर कितना 1156, उसमें से कम करो 1155 आता है। ये तीनों तो सेम है, ये तीनों तो क्या है, ये तीनों सेम है भाई, ये तीनों क्या है सेम है, इसमें सी कहाँ से आएगा, ऑप्शन में डी तो होगा। अब 17 से 17 का एक कम कितना 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, उसमें से कम 255 आएगा, यहाँ पे 238 है, ये कैसे सही होगा, ऑप्शन नंबर ये गलत है, इसलिए क्या सही होगा, इस प्रकार से इसका डी आंसर होगा, सी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तो करा दे, क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं, फिर से वैसे क्वेश्चन आ गया, तो क्या बोलोगे सिंपल है, देखो यहाँ पे 26 है, आगे पैटर्न चल जाओ, यहाँ पे कितना वी 22, यहाँ पे टी 20, बोलो 2 कम हो रहा है, यहाँ पे देखो 8 18 दो कम, तो 26 में 2 कम हो रहा, कितना आएगा 24 आएगा, 24 में क्या होता है 24 एक्स होता है भाई, यहाँ पे बी हटा दो, यहाँ भी हटा दो, बोलिए देखो ओ मेरे पास कितना है, ओ 15 है, यहाँ पे नहीं पता, लेकिन यहाँ के कितना है 11, यहाँ पे आई कितना 9, यहाँ पे जी कितना 7, बोलो 2 कम हो रहा है, तो क्या बोलोगे 15 में से 2 कम कर दो कितना आएगा 13 आएगा, 13 पे क्या होगा 13 पे बस एम होता है, इसके बाद एम आएगा, ये भी खत्म, ऑप्शन क्या है ऑप्शन सी इसको में राइट आंसर। इस क्वेश्चन में अगर कोई मेरा सही था सर की वजह से रॉन्ग हो गया, अच्छा मेरे वजह से रॉन्ग हो गया, तो इस प्रकार से आज मैं ही बता रहा था इस पेपर में कोई अगर मान कुछ भी पढ़ के नहीं गया और उसको लगता है कि हाँ मेरे को सी से बहुत प्यार है, अगर वो सी सी लगा के आएगा तो उसका रीजनिंग में कम से कम 16-17 क्वेश्चन सही हो जाएगा, देख रहे हो क्या, तो आप जो तुक्का मारते हैं ना सी बी करके उनका भी सही हो जाता है कुछ कुछ। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा, बोले देखो भैया मेरे पास हो क्या रहा, जब भी पास पास के नंबर पे डिफरेंस लेते हैं, 48 में भी अगर मैं 5 और दूंगा कितना है, 48 में 5 और दे कितना है भाई 53 आ गया, 53 से घटाना पड़ा कितने घटा हो गया 13 में 9 जगह 4 आ गया 38 हो गया 14 घटाना पड़ा, ये कोई लॉजिक लग रहा क्या, कोई लॉजिक लग रहा, अड़तालीस से 39 गया तो कितना बोलोगे 9 कम, 39 से 30 गया तो कितना माइनस, सिंपल से बात है, और क्या हो रहा है भाई 9 कम हो रहा है। आगे बोलोगे देखो भैया 353 है, 353 से यहाँ पे जब जाएगा तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ रहा होगा भाई, 9 घटाया तो 9 जोड़ रहा होगा, देखते हैं 353 में 9 जोड़ दो कितना आएगा 362 आएगा, 362 अब 362 में 9 जोड़ दो 317 आएगा, बोलोगे ये अल्टरनेट सीरीज था, इस प्रकार से ये भी सेम 362 होगा, ये मेरे पास राइट आंसर है, ये भी गलत 362 का क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या काश ये पेपर मेरा जाए, पता नहीं किसके नसीब में कौन सा पेपर आएगा, बट किसी ना किसी के तो नसीब में आएगा ही आएगा। हाँ छोटू बताओ यस छोटू बताओ क्या बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बोलो एक बार, आंसर बता रहे हो 362 या कुछ बोलना चाह रहे हो आप, 362 क्या क्वेश्चन राइट आंसर, अल्टरनेट जाना क्या बोलोगे, बी को लॉक कर दिया, बी को लॉक कर दिया, ये बस क्या अल्टरनेट सीरीज था, क्या था अल्टरनेट सीरीज था, और आप ऐसे जाओगे तो आपके पास इसका लॉजिक मिल जाएगा, आप इसे कर लोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन 24, आराम से करना क्वेश्चन को, बोला देखो 17 से मैं 22 जा रहा कितना आगे जा रहा हूँ 5 आगे जा रहा हूँ, ठीक है, अब 22 से 11 मैंने क्या कर दिया, 22 से 11 मैंने 2 से भाग लगा दिया, 5 आगे गया 2 से भाग लगा दिया, 112 कहाँ से आया कैलेंडर वाला में, अच्छा 112 कहाँ से आया कैलेंडर वाला में, यहाँ पे होता है ना जब हमारे पास बेस ईयर छोटू ये होता है
जब भी ईयर की बात करते हैं, जब भी ईयर की बात करते हैं, और ईयर में आप 21st सेंचुरी की बात करते हैं, किसकी 21st सेंचुरी की बात करते हैं, जैसे हमारे पास कितना है 2008 है, कितने 2008 ईयर में ना हम लास्ट के दो इट में 100 जोक लेते हैं, ईयर में आप क्या लिखो 108 लोग लास्ट के दो इट में 100 जोक लेते हैं, बस 21st सेंचुरी 2000 से लेकर 2009 तक, और बाकी सारे में लास्ट के दो इट लेते हैं। मान लो मेरे पास कितना यहाँ पे 2012 था, कितना 2012 था, लास्ट के दो डेट में 12 में 100 जो कर, ईयर कितना है 112, और ये जो मैंने 28 लिखा है 4 से भाग दिया और कोशेंट को इंटीजर के साथ लिखा, बस इतना सा बंधु यहाँ पे, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करता हूँ। ये कितना 17 से 5 आगे 22, अब 22 से 11 जाने के लिए 2 से भाग लगा दिया, 11 से 5 आगे गए कितना 16 मिला, और 16 से 8 जाने के लिए 2 से भाग लगा दिया, कोई सिंपल सी बात है। 8 से 5 गए आगे तो 13 मिला, और बताओ 13 से आगे जाओ क्या बोलोगे, 13 में 2 से भाग लगा तो कितना बनेगा 6.5। इस प्रकार से 6.5 क्वेश्चन क्या राइट आंसर है, बाकी सब गलत, बाकी सब क्या गलत है। बहुत फास्ट गया, लगा लिया शुभम भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते, ऐसा पैटर्न आपको रिपीट करने को रिपीट मिलेगा आगे आने वाले एग्जाम में, आगे आने वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। ये पैटर्न बहुत फेमस है, 8 to 5 / 2 into 5 something / 2 ये क्वेश्चन आते ही रहता है, कर लेंगे आप लोग, जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और ये अपने पास आज का लास्ट क्वेश्चन करिए ट्राई सभी लोग। बोला गया सम और सार मेटल, क्या बोला गया सम और सार मेटल, हमारी मर्जी भाई 50 ये 50, बोला गया और मेटल तो और के लिए 100 ये 50, क्यों सेंटेंस पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, यहाँ सम के लिए कितना 50 आ गया, यहाँ पे कितना 50, क्यों पॉजिटिव है, बोला गया सम स्टोन्स तो बोला गया 50 ये भी कितना 50, सम वुड्स तो 50 ये भी कितना 50, क्यों पॉजिटिव था ना, यहाँ पे ऑल के पास कितना 100 आएगा, यहाँ पे कितना 50 क्यों पॉजिटिव। अब देखेंगे कि मेरे पास ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये 2 है, और ये मेरे पास कितना 3 है, 1 2 3 मेरे पास स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन किससे किससे मिलकर बना है, बस इतनी सी बात है। बोले गए स्टोन और प्लास्टिक की बात है, स्टोन और प्लास्टिक कहाँ है, बोले देखो स्टोन और प्लास्टिक अगर मेरे को बताना है तो मैं सेकंड और थर्ड का यूज करूंगा, किसका सेकंड और थर्ड का यूज करूंगा, हीरा स्टोन हीरा प्लास्टिक, मतलब कनेक्शन वाला है कि कनेक्शन 50 और 100, मेटल के पास 100 है कनेक्शन बन गया, अब पढ़ लो बस, बोल के 50 यहाँ पे 50 पढ़ लिया, स्टोन 50 था 50 पढ़ लिया, बोले कि प्लास्टिक 50 है 50 50 पढ़, ऑप्शन नंबर 1 2 है, अब बोले कि उड्स स्टोन, उड्स का है, बोले कि उड्स मेरे पास पे ऊपर है स्टोन ही रहा, तो बोले कि ये किससे बनेगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड से, कॉमन के पास चलते, कॉमन के पास मेटल के पास 100 है, पढ़ लो अब इसको, बोले देखो भैया उड्स के पास 50 है यहां 50 है, स्टोन के पास 50 है यहां 50 है, बोले ऑप्शन नंबर 2 भी मेरे पास क्या राइट है, ऑल स्टोन्स आर मेटल, अब स्टोन की बात हो रही, स्टोन ये रहा और मेटल लेयर, बोलो इक्वल 2 से बन रहा है, इक्वल किस बन रहा है 2 से, मतलब ऑल स्टोन यहां 50 और यहां पे कितना 100, बोलो ये तो कैसे हो सकता है, ये तो खत्म हो गया, बोलो ओनली 1 एंड 2 फॉल्स, क्या बोलोगे ओनली 1 एंड 2 फॉल्स, इस टेस्ट में आपका 100% एक्यूरेसी आई होगी, तो 3 नहीं होगा ये गलत हो गया, 1 एंड 2 फॉल्स ये सही है, बाकी सब गलत है, ऑप्शन क्या बी इज द राइट आंसर, 1 एंड 2 राइट, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आपका टेस्ट फिनिश होता है यहीं पे, तो आज हमने टाइम भी कम लिया लेकिन आपका टेस्ट भी पूरा करा दिया और बिना बर्डन सबके, आई होप आपने आज के टेस्ट को एंजॉय किया होगा, राइट आउट ऑफ 20 में आपका आज का स्कोर 25 रहा होगा, स्कोर आपका आज 100% रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, आपका स्कोर कितना 100% रहा होगा, तो बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे फिर से 6 बजे मैथ्स में, क्लास के बाद मेरी बात करना मम्मी से, हैं किसकी बात मम्मी से करना, क्यों मम्मी से बात करना है, हाँ 10 में वही तो बता रहा हूँ पेपर में, चलिए ध्यान रहेगा अपना, सभी लोग स्वस्थ रहेगा, अच्छे से रहेगा, गुड नाइट सभी को, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर 6 बजे मैथ्स में और 7 बजे रीजनिंग क्लास में, तब तक अपना पढ़ते रहिए, खेलते कूदते रहिए, बाय बाय सभी को, ध्यान रखना, अभी इवेंट भी होने वाला है, अभी प्रॉब्लम है इवेंट भी लेके आने वाले हैं, हम सभी लोग आएंगे तो आप लोग आइएगा इवेंट में, 19 सेंचुरी का हो नहीं रुत कोई दिक्कत नहीं, लास्ट का 2 लेंगे, मान लो 1865 आ गया, 1875 आ गया तो बस लास्ट 2 जीत लेंगे, अगर मेरे पास 28 सेंचुरी की है, माने मेरे पास क्या है 1900 से लेकर 1999 तक है, उसमें भी लास्ट 2 लेंगे, अगर 21st सेंचुरी है तो भी लास्ट 2 लेंगे, बस 21st सेंचुरी तक हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग उतना ही जिंदा रहेंगे, उसके बाद तो हम लोग चले जाएंगे, फिर कोई और आएगा तो कुछ और बना के जाएगा, ठीक है, बाय, गुड नाइट सभी, मिलते हैं स्पेशल सेशन टाइम टेबल लॉन्चिंग में, आइएगा आप लोग, वेट रहेगा आपका सिलेबस कैसा है क्या, सब डिस्कस होगा, तब तक खुदा हाफिज़, जय हिंद जय भारत।